हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई मेरा एक सवाल था, ये फारूक रिजवी की एक वीडियो थी, वो डायरी को सुन्नत साबित कर रहा है, ये सच है क्या? हदीस में हाँ भाई, क्या डायरी को सुन्नत साबित कर रहा है फारूक रिजवी। आप कौन? भाई मैं फराज खान बांसवाड़ा से। मतलब क्या फारूक खान क्या कर रहा है? अच्छा, भाई गाली को सुन्नत साबित कर रहा है हदीस से, फारूक खान ग्यारहवीं रिजवी। ग्यारहवीं गाली गाली को गाली अच्छा गाली 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 देना, हाँ गाली देना सुन्नत है, उसका ये बोलने का मतलब है फारूक खान रिजवी का। ऐसा किसी हदीस में है क्या, किसी सहाबा ने क्या हाँ, गाली तो दी हो? गाली देना मतलब बरेलियों की सुन्नत है ना, तो सबको पता है। अच्छा हाँ, तो भाई ये क्या अपने से क्या है वो, मतलब ये जो इनके मन की हदीस बता रहे, जो बता रहे थे। देखिए, ये लोग एक्चुअल में लोगों की माँ हाँ को मतलब बोल देते हैं, रंडी है, रंडी की औलाद है, पला डमा उल्टा सीधा माजल्ला बोलते रहते हैं, और हाँ उसकी दलील ये लोग देते हैं। मतलब हदीस तो बहुत मतलब बात का मैटर है, डायरेक्ट ये लोग मेरे हाँ भैया कुरान से देते हैं दलील। हाँ कुरान में पता नहीं कुछ बताते हैं, सूरह कलम में है कि वो हरामी है। भाई मैंने कुरान पढ़ा, उसमें तो मेरे को मतलब भाई कहीं नहीं भाई ये मिला कि मतलब कुरान में लिखा हुआ हो कि माजल्ला मेरे की फला हरामी है, तो हरामी का अल्फाज ही हमको नहीं मिला कुरान में। और ये लोग मतलब पब्लिक में बोलते हैं, देखो सूरह कलम पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है कि वो हरामी है और हराम की औलाद है और असल में खता है, तो ये है तो वो है। तो उससे कयास करके ये लोग मतलब जो लोग मेरे भाई कुरान हदीस की दावत देते हैं उनको गालियां देते हाँ हैं। तो तो गाली देना मेरे भाई ये बिल्कुल बहुत मतलब भाई ये मतलब बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है, हाँ और भाई गाली वाली हमको नहीं देना चाहिए, परहेज करना चाहिए। और गाली अगर हाँ कोई देता है तो गाली का जवाब भी गाली से हमको नहीं देना है। अच्छा, नहीं मतलब ये कहते थे अबू बकर सिद्दीक से साबित है, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है गाली देना, उनका ये कहना माजल्ला माजल्ला, बरेलवियों का। मतलब ये किसने बोला है, मतलब किस जाहिल ने बोला है? ये भाई लैपटॉप बावन है, इसकी मैंने एक वीडियो देखी, मैंने कहा एक बार अपन जो नकला देख सकते हैं। भाई देखिए, अगर फारूक खान जो लैपटॉप बाबा है, अगर उसने हाँ ऐसा बोला है कि अबू बकर, ठीक है, अबू बकर रजी अल्लाह हाँ ताला अनु, उन्होंने मतलब हाँ माज अल्लाह गाली दी है, तो अल्लाह के नबी ने तो फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 2469, कि जो गाली देता है वो होता है मुनाफिक। मुनाफिक तो क्या माज अल्लाह जो सहाबी थे अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो क्या माज अल्लाह क्या अल्लाह के नबी की हदीस के एतबार से मुनाफिक हो गए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने सुना कि ये जाहिल कह रहा है कि गाली देना मुनाफिकत की अलामत है, और अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गाली दी तो माज़ अल्लाह के वो मुनाफिक हो गए। अब मैं आपको चीज़ समझाने लगा हूँ कुरान की आयत करीमा सूरह मैदा आयत नंबर 32 से। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इस आयत का मफहूम है, इसी सबब से हमने बनी इसराइल पर यह लिख दिया कि जो शख्स किसी को कत्ल करे बगैर इसके कि उसने किसी को कत्ल किया हो या ज़मीन में फसाद बरपा किया हो, तो गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल कर डाला। अब इस आयते करीमा के तहत अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि जिसने किसी को कत्ल करा और ज़मीन पर फसाद बरपा किया, किसी को कत्ल करे बगैर कि उसने किसी को कत्ल किया हो या ज़मीन पर फसाद बरपा किया हो, तो गोया उसने सारे इंसानों को कत्ल कर डाला, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। अब एक हदीस, ये आयत अपने जहन में रखिएगा, अब मैं आपको एक हदीस पाक बताता हूँ, बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 576। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, काब इब्न अशरफ के लिए कौन है, इसने अल्लाह और उसके रसूल को इज़ा दी है। हज़रत मोहम्मद इब्न मुस्लिमा खड़े हो गए, अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसका कत्ल कर दूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 576। और इसी के हाशिए में हज़रत इमाम करमानी ने
حوالے سے لکھا ہے کہ کعب ابن اشرف یہودی بنو قریظہ سے تھا اور شاعر تھا، اور شاعری میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا تھا، حاشیہ بخاری صفحہ نمبر 576۔ اب اس آیت پہ ہم پورا جو آیت پہلے بتائی تھی ہم اس پہ چلتے ہیں، سورہ مائدہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا زمین پہ فساد برپا کیا، گویا اس نے سارے انسانوں کا یعنی کہ ساری انسانیت کا قتل کر ڈالا۔ اب یہ جو حدیث شریف میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں تو کسی کا قتل بھی نہیں ہوا اور نہ ہی اس نے کوئی فساد برپا کیا، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گستاخ کے قتل کا حکم دیا۔ اب اور آگے بتاتا ہوں میں آپ کو، اس نے کہا کہ قرآن کریم فرقان حمید برہان رشید میں سورہ قلم میں اس نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن کبھی اس نے اس طرح کی کوئی آیت نہیں دیکھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گستاخ رسول کو حرام کی اولاد کہہ رہا ہو۔ دیکھیے یہ لوگ ایکچوئل میں لوگوں کی ماں کو مطلب بول دیتے ہیں رنڈی ہے، رنڈی کی اولاد ہے، پلا ڈما الٹا سیدھا ماذا اللہ بولتے رہتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ لوگ دیتے ہیں، مطلب حدیث تو بہت مطلب بات کا میٹر ہے، ڈائریکٹ یہ لوگ میرے بھیا قرآن سے دیتے ہیں دلیل۔ قرآن میں پتہ نہیں کچھ بتاتے ہیں سورہ قلم میں ہے کہ وہ حرامی ہے، بھائی میں نے قرآن پڑھا اس میں تو میرے کو مطلب بھائی کہیں نہیں بھائی یہ ملا کہ مطلب قرآن میں لکھا ہوا ہو کہ معاذ اللہ کی فلا حرامی ہے۔ دراصل یہ جھوٹا تو ہے، مکار بھی ہے اور قرآن پہ بھی جھوٹ باندھتا ہے، اول تو اس نے قرآن پڑھا نہیں اور یا پڑھا ہے تو اس کے بعد یہ آیت پڑھ کے بھی یہ اس کو بتانا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ اب میں آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں سے لے کے چلتا ہوں، جو قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی فرمایا، امی کے معنی مطلب جس کو کسی نے نہ پڑھایا ہو، جو خود اللہ سے پڑھا ہو، اللہ تعالیٰ نے جس کو خود پڑھایا ہو، اس امی لفظ کا یہ ترجمہ کرتے ہیں ان پڑھ ماذا اللہ۔ تو یہ لفظ قرآن کریم کا جو کہ نبی کی شان کے خلاف لے جاتے ہیں اس کے معنی کو، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خلاف ہو یہ وہ معنی اختیار کرتے ہیں، یہ اس کا ترجمہ لیتے ہیں، لیکن جب گستاخ رسول کے بارے میں بات آتی ہے تو یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہی بدل دیتے ہیں، اس آیت کریمہ کو یہ اپنی من کی منطق کے مطابق لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں۔ سورہ قلم آیت نمبر 10 سے 14 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قلم اور ان کے لکھنے کی قسم، اس آیت میں اللہ نے قلم اور اس کے لکھنے والے فرشتے کی اللہ نے قسم لی ہے، تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے، تبلیغ رسالت اور اظہار نبوت اور خلق کو اللہ کی طرف دعوت دینا اور کفاری کی ان بیہودہ اور افطاروں اور تانوں پر صبر کرنا، اور بے شک تمہاری خوب بڑی شان کی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 5 میں، سورہ نمبر 68 آیت نمبر 5 سورہ قلم بھی، تو اب کوئی دم جاتا ہے کہ تم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے یعنی اہل مکہ بھی، جب ان پر عذاب نازل ہوگا کہ تم میں کون مجنون تھا، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کی راہ سے جو اس کی راہ سے بہکے، اور وہ خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر ہیں، تو جھٹلانے والوں کی بات نہ سننا، وہ تو اس آرزو میں ہیں کہ کسی طرح تم نرمی کرو اور وہ بھی نرم پڑ جائیں، یعنی دین کے معاملے میں ان کی رعایت کر کے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ قلم آیت نمبر 10 میں، سورہ نمبر 68 سورہ قلم آیت نمبر 10 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اور ہر ایسے کی بات نہ سننا جو بڑا قسمیں کھانے والا ذلیل۔ اس آیت سے اس ذلیل کی خوب رد ہوئی اور اسے ذلیل کہا، اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو، جس کے تعلق سے یہ آیت کریمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کو ذلیل کہا، بہت تانا دینے والا، بہت ادھر ادھر کی لگاتا پھرنے والا، بھلائی سے بڑا روکنے والا، حد سے بڑھنے والا گنہگار،
वलीद बिन मुगीरा अपने बेटों से कहता था कि अगर इस्लाम कबूल किया तो मैं तुम्हें विरासत से निकाल दूंगा। इस तरह वो भलाई से रोकता और हद से बढ़ता था। दुरुस्त खो यानी बदमिजाज और बदजुबान। उस सब पर तुर्रा ये कि उसकी असल में खता, यहाँ लफ्ज़ कुरान में आया है जनीन, इसके मायने अगर आप जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि इसको वहाबियों ने भी तर्जमा, कई वहाबियों ने भी शायद के करीमा का इस लफ्ज़ का तर्जमा करा है, जिसकी असल में खता हो, बॉर्न फ्रॉम इलेजिटिमेट सोर्स। और इसी आयत में है, आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मैं फिर से बताता हूँ, दुरुस्त हो यानी बदमिजाज और बदजुबान, उस सब पर तुर्रा ये कि उसकी असल में खता यानी उसकी असल सही नहीं, यानी वो जिना से पैदा हुआ। जब ये आयत उस जलील ने सुनी तो वो अपनी माँ के पास गया और कहा कि ऐ माँ, सच बता कि मैं किसकी औलाद हूँ, अगर नहीं बताया तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तेरा बाप यानी मेरा शौहर तो नामर्द था, उससे कोई औलाद नहीं थी, सो मुझे डर था कि उसके मरने के बाद उसका माल दूसरे लोग छीन लेंगे, इसलिए एक चरवाहे से जिना करा जिससे तू पैदा हुआ। आपके सामने कुरान करीम फुरकान हमीद बुरहान रशीद की आयत करीमा, मैंने जो भी इसका मफहूम पेश करा है उसके तहत साफ लफ्ज़ों में जाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने गुस्ताख़ रसूल वलीद बिन मुगीरा के 10 ऐब बताए हैं। उनमें से एक ऐब में अल्लाह सुबहान ताला ने ख़ुद वलीद बिन मुगीरा को जनीम कहा है, यानी कि जिना की पैदावार, यानी कि जिसकी असल में ख़ता हो, यानी कि हराम की औलाद, यानी कि बॉर्न फ्राम इलेजिटिमेट सोर्स। लेकिन इस खबीस को ये आयत करीमा नहीं दिखाई दी, क्योंकि ये गुस्ताख़े रसूल को अल्लाह ताला ने उसकी ये अलामतें बताई हैं। और वो आयत करीमा जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को ये घटा के पेश करते हैं, वो आयतें इनको दिख जाती हैं। जैसे कि मैंने भी आपसे बताया कि लफ्ज़ उम्मी, जिसका तर्जुमा करते हैं अनपढ़, या इससे पहले जो सूरह फतह के बारे में मैंने लास्ट वाली क्लिप में बताया था कि जिसमें इन्होंने तर्जमा करा है कि ए नबी, हमने तुम्हारे अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दिए, सुम्मा माज़ल्ला। तो ये वो खबीस हैं, आप ख़ुद गौर करें कि वो कुरान की आयतें जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक को ये कम करने की कोशिश करके प्रेजेंट करते हैं, वो इनको दिख जाती हैं, लेकिन जिसमें अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख को हराम की औलाद कहा है, इनको वो आयतें नहीं दिखती। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये नबी पाक से मोहब्बत करने वाले हैं या ये पक्के मुनाफिक हैं, क्योंकि मुनाफिक की अलामत ये होती है वो दोगला होता है, दिल में कुछ होता है, ज़ुबां पर कुछ होता है, और इसके तो दिल में भी जो है वो ज़ुबां पर भी ज़ाहिर हो चुका है, ये खुद कह चुका है, ये तो इतना हद से बढ़ा हुआ है ये। बहरहाल इसका फ़ैसला तो अल्लाह करेगा, बहुत जल्द करेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मौत तो एक दिन सबको आनी है, और इंशाअल्लाह ताला कब्र के अंदर ही इसका फ़ैसला अल्लाह करेगा, बेहतर करेगा। तो हज़रात, ये वो झूठे और मक्कार फरेबी इंसान था जिसकी मैंने भी आपको ऑडियो सुनाई, जिसमें ये कह रहा था कि अल्लाह के नबी के गुस्ताख को हरामी कहना अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा, हराम की औलाद अल्लाह ने उसको कहीं नहीं फरमाया, जबकि मैंने आपके सामने कुरान की आयत का तर्जमा पेश करा और मैंने आपको हवाला दिया, और आप ख़ुद भी कुरान खोल के आप उसको पढ़ सकते हैं, और उसमें लफ्ज़ जनीम है, आप उसका तर्जमा भी जाके देख सकते हैं, और वहाबियों के तर्जुमे में भी आप देख सकते हैं। मैं स्कैन भी इंशाल्लाह प्रेजेंट कर दूंगा जिसमें वहाबियों का तर्जुमा भी मैं आपको दिखा दूंगा, जिसके अंदर लफ्ज़ जनीम मौजूद है, और उसमें भी लिखा हुआ है बॉर्न फ्राम इलेजिटिमेट सोर्स, यानी कि जिसकी असल में ख़ता हो, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। लेकिन वो इसको नहीं नज़र आया, क्यों नहीं नज़र आया, क्योंकि ये ख़ुद गुस्ताख है, और अपनी ही बारे में कैसे कोई गलत भला बोल दे, तो अपने को तो ये बचा रहा था, लेकिन कुरान में जब अल्लाह ताला ने वाज़े फरमा दिया है तो बच नहीं पाओगे, ना यहाँ बचोगे ना इंशाल्लाह महशर में बचोगे और ना कब्र में बचोगे। तो हज़रात, ये इसका मकर था जो मैंने एक और एक्सपोज करा आप लोगों के सामने। और दूसरी चीज़ ये है कि सहाबा इकराम गुस्ताख़े रसूल पर लानतान करते थे, सहाबा इकराम गुस्ताख़े रसूल पर लानतान करते थे, और उसका जवाब इंशाल्लाह मैं आपको फ़ारूक रज़वी साहब की ही ज़ुबानी अगली ऑडियो में सुनवाऊंगा इंशाल्लाह। इस क्लिप को अपने पास डाउनलोड करके रखें, क्योंकि मेरी क्लिप्स रिपोर्ट करी जा रही हैं, और इनको अपने चैनल पर अपलोड करते रहें ताकि इनके झूठ और मकर का पर्दाफाश होता रहे, और अल्लाह ताला आपको भी सवाब अता फरमाए अपने हबीब के सदक़े तुफ़ैल। दुआओं में याद रखें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तुम यूपी का रहने वाला खबीर, तेरी माँ खेतों में जाके लोटा लेके हगने वाली, तू बता रहा है उस पर की माँ पे उंगली उठा रहा है सुवा कहीं का। इस खबीर को देखो ना तो दिल बोलता है कि सुअर के बच्चे को तो कितनी गालियां नहीं बताई। रसूल का गुस्ताख सुअर का बच्चा, कई बोलता है नबी मर गए, पता बताओ कहां है नबी, मैं मिलने जाऊंगा तेरी। सुअर तो गालियां बकने का दिल बोलता रहेगा, मुझे कोई परवाह नहीं है भाई, आप लोग इसका क्या रिएक्शन लेंगे। ऐसे खबीसों के लिए मेरे पास गाली है, तुम कमेंट्स करते रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता। इंटरनेट पर डालना वीडियो, उसी गाली के साथ डालना और बहावड़ो तुम कमेंट्स करना, गाली शाह बाबा, गाली वाले बाबा, तुम गाली के लायक हो। और ये सुनो, ये भी सुन्नत है। क्या है? सुन्नत है। रसूलुल्लाह का गुस्ताख था वलीद इब्ने मुगीरा। जब उसने हुजूर को कह दिया मजनून है, जाओ खोलो सूरह कलम आयत नंबर 14 देख लो, 10 से 14 आयतें आई है उसके बारे में, ये 10 है अल्लाह ने गिनाए, और 10 आयत गिनाया उतिल्लिम बिदालिक जनीन, ये हरामी है, इसकी असल में खता है, कुरान हरामी बोल रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक बैठे हुए, सही बुखारी की हदीस है, मुशरिकीन ने सुलह के लिए एक शख्स को भेजा रहा था, मुझे उसका नाम याद नहीं है, बुखारी में मौजूद है, किताब उल जिहाद के अंदर ये हदीस आई है, सही बुखारी के अंदर। कौन सी किताब में? सही बुखारी। हाँ सुन लो, बरेलवी क्यों गाली बकते हैं वो भी सुन लो, किताब उल जिहाद बुखारी खोलो, बुखारी बुखारी, हदीस ज़ईफ नहीं है, बुखारी बोल रहा हूँ। मुशरिकीन ने सुलह के लिए एक शख्स को भेजा, कहा जाओ, वो आया सुलह कर रहा है हुजूर से, अबू बकर बैठे, कुछ सहाबा बैठे, तो उसने सहाबा पे तंज किया, कहा मोहम्मद इन सहाबा इन लोगों के बलबूते पे आप जंग के लिए बातें करते हैं, इन्हें मैदान में लाने की बात करते हैं, ये इतने नामर्द लोग हैं कि आप इन्हें जंग में ले आए तो आपका साथ छोड़कर भाग जाएंगे, ये पीठ दिखा देंगे ये लोग। अबू बकर को जलाल आया, क्या जुमले कहते हैं अबू बकर ने, सुनना चाहेंगे आप? गाली में बोलो, अबू बकर ने भी गाली बकी है। अबू बकर ने कहा ए बेगैरत, तू क्या ये समझता है कि मोहम्मद का साथ छोड़ देंगे, जा अपनी। अब देखो मैं उर्दू तर्जुमा कर रहा हूँ, अरबी में देख लेना क्या है, और इनके मुल्लाओं का तर्जुमा देखना, जा अपनी देवी, देवी थी ना उनकी उज्जा, उसकी शर्मगा को चाट, और अपने हुबल का वो सामने वाला ना उसको मुंह में लेके चूस। मैंने बहुत अदब में बोला, अब आप समझ लो कैसा बोलते हो जुमले को, सामने वाला होता है ना उसको मुंह में लेके क्या कर, चूस। और जो तेरी देवी है ना उज्जा, उसकी सामने वाली जो शर्म है ना उसको चाट जा। ये क्या है? बुखारी में ना दिखा सकू तो अपने बाप की ओरिजिनल औलाद ला, तुम्हारे मदरसे का कोई मौली हो बुखारी खोल के दिखाता हूं, बुखारी में हदीस मौजूद है, सही बुखारी है, सही सनद के साथ। तुझे ईमान का तकाजा है, ये ईमान है, ये ईमान की हरारत है कि जब अहले ईमान किसी गुस्ताख को देखते हैं ना खून खौलता है।